जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आप लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ आ गई, तो मैं आ गई घर लखनऊ रानी के यहाँ। रात में काफी लेट में आए, तो इस तरह अभी वहीं रुक गई हैं। रानी भी कल बहुत ही परेशान थी भैया को लेकर के, और हम भी परेशान थे। लेकिन यहाँ प्रीति भी 5 दिन से मेरा इंतजार कर रही थी, तो यहाँ आना भी मेरा बहुत जरूरी था। तो सुबह से वही सब काम धाम, झाड़ू पोछा, सुबह से वही 4 बजे से लग करके सब करना। लेकिन भैया को लेकर के बहुत ही टेंशन था। अब मैं माँ से यही भगवती से कह रही हूँ कि हे माँ, भैया के कष्ट आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे भैया को स्वस्थ कर दीजिए। और आप लोग भी माँ से प्रार्थना करिए कि भैया हमारे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो वही मैं आज आप लोगों से ज्यादा अभी बातें नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि चित्रकूट की मेरी बहुत सी मतलब वीडियो पड़ी हुई है, मतलब बहुत सी क्या, एक ही वीडियो पड़ी हुई है। तो आज मैं चित्रकूट की वीडियो एडिटिंग करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, क्योंकि 4-5 दिन वहाँ परेशान होने के कारण कोई जल्दी वीडियो एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। तो चित्रकूट तो काफी बार गई, लेकिन रुचि का बर्थडे था, मतलब नाव में बैठना, गंगा मैया के दर्शन कराना, तो बहुत ही अच्छा था। तो मैं पहले वो वीडियो आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, इसके बाद मैं कल प्रीति से मिलाती हूँ। और आप लोग देख ही रहे कि कितने थके, कितने परेशान हैं हम। तो चलिए अब हम कल आपसे मिलाते हैं प्रीति से, पहले चित्रकूट गंगा मैया के दर्शन कराती हूँ। और ये देखिए कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं। तो रुचि भी जल्दी जल्दी लगी हुई हैं, और रुचि अब तो आज बहुत ही खुश हैं। अब ये खुशी कहाँ है अब नहीं बता सकते हैं। तो बहुत दूर का आज हम लोग सफ़र तय कर रहे हैं, और अभी कहाँ का सफ़र है अभी ये भी नहीं पता है। तो एक को रिश्ता संभाले हुई है रिद्धि को, और सिद्धि को राम जी भैया दूध पिला रहे हैं। तो दोनों लोग एक एक बच्चों में लगे रहते, और कितना अच्छा लगता है। और मनु भी अपना यहाँ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अच्छत भी कर रहे हैं, अपना तैयार हो रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं, आप लोगों से बता दूं कि हम आ गए हैं लखन जी भैया के यहाँ। तो लखन जी भैया हमारे चुन्नी उन्नी डाल के बैठे हुए हैं सर में, और सब पूरा परिवार बैठा हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोग लखन भैया के पास ही देते थे। दादू भैया भी आए हुए हैं पछौहाँ से, दीदी लोग, तो सब लोग आए हुए हैं। और आगे अब हम बता रहे हैं, हम मिलते हैं सब लोग साथ में बैठे हुए हैं ऊपर हॉल में, भाभी और सब हम लोग ऊपर भी बैठ गए। और यहाँ भी लखन जी भैया अपना सब लोगों के साथ बैठे हुए हैं, और सब कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ भी भाभी और दीदी, रुचि, हम सब लोग ऊपर हॉल में बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं के लिए प्लानिंग सोच रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और वैसे तो दशहरा अपना गांव का भी बहुत अच्छा होता है। अब हम आ गए पछौहाँ, तो ये देखिए पछौहाँ में हम आ गए। भाभी गुरु सदगुरु भगवान के लिए पान लगा रही हैं, और सदगुरु भगवान को पान खिलाने के बाद अब सब लोग मिल करके आप लोगों को हैप्पी दशहरा बोलेंगी। यहीं पर बैठ करके भाभी और बहन सब लोग आ गई हैं, और भाभी कितने अच्छे से मतलब पान लगा रही हैं। और ये पछौहाँ का सीन है, सदगुरु भगवान की कुटी में जा रहे हैं पान लग के, बहू भी बैठी हुई है, और सब ही बहुत ही खुश हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी, हम सब लोग, भाभी, सब लोग बैठे हुए हैं। दीदी किसी से फ़ोन में बात भी कर रही हैं, और भाभी लोग सब बैठी हुई हैं, तो सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। देवरानी जेठानी सब पछौहाँ का भी अपना दशहरा एक ही साथ मनाई। अतर्रा का तो बाद में पड़ा, लेकिन पहले पछौहाँ का ही दशहरा इन लोगों ने मनाया। तो वहाँ सब लोग, ये लोग बैठी हुई हैं। और इसके बाद अब हम तैयारी कहीं और के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हमने तो बताया ही ना कि रुचि आज क्यों खुश हैं, तो उसकी खुशी का कारण क्या है, तो आगे ही पता चलेगा कि रुचि के खुशी का कारण क्या हो सकता है। और भाभी लोग सब मिल करके हैप्पी दशहरा आप लोगों को बोल रही हैं, और सब एक दूसरे के गले लगना, पान खिलाना, सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आज मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, अभी तक मैं वहाँ नहीं डाल पाई थी। अब आप लोग मेरी परेशानी का कारण तो जान ही रहे हैं, लेकिन सब बहुत ही मौज मस्ती पे लगी हुई हैं। अम्मा हमेशा इसी तरह सबको खुश रखें, एकता प्यार सब पे ऐसे बना रहे, और हर एक त्यौहार ऐसे ही खुशी खुशी सब लोगों का होता रहे, जैसे हमारे परिवार में है वैसे सबके परिवार में ऐसे ही होता रहे। तो सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हम कहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोगों से बता रही हूँ कि मैं कहाँ के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो अब मैं कहीं और के लिए नहीं, अब रुचि के साथ हम कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं चलिए अब हम बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं।
तो अब आगे देखते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और सब लोग, बिट्टू भी और रुचि भी और सब लोग, भाभी लोग मिल करके सब यहाँ पर बैठी हुई हैं और बहुत ही मौज मस्ती सब चल रही है। अब वो तो ज़्यादा कुछ और नहीं बता सकते हैं कि ये लोग क्या क्या बोल रही हैं और हम क्या क्या बोल रहे हैं, तो ये सब लोगों को हम आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर सब बहुत ही खुश हैं, और सब आप लोगों को भी ऐसे ही दशहरा की, हर त्योहार की ऐसी खुशियाँ मिले। और बड़ी भाभी नहीं बोल रही इसलिए हम हंस रहे हैं कि बड़ी भाभी आप भी बोलिए, आप क्यों नहीं बोल रही हैं। तो वैसे भी हमारी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही शांत स्वभाव की हैं, बता नहीं सकते हैं, और कितना खुश हैं। और अब हम कहाँ जा रहे हैं आप लोग समझ सकते हो कि आज है आद्या फैमिली रुचि रुचि पांडे का बर्थडे, बनी मेरी बेटी का बर्थडे। तो हम लोग सब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कैसे जाएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट, चित्रकूट की तैयारी है और रुचि है, और अब आ गए हम चित्रकूट और यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं। और वैसे तो सब लोग सोच रहे हैं कि परिक्रमा नहीं करेंगे, सिर्फ कामतनाथ भगवान के दर्शन करेंगे, क्योंकि काफी मतलब रात है, 7:30 या 8 बज रहे हैं, कुछ ऐसे टाइम होगा। तो सब लोग प्रसाद लेकर के और जल्दीबाजी में हम लोग जा रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने नहीं सोचा कि आगे की हमारी प्लानिंग क्या है। तो अब हम जा रहे हैं, देखिए कामतानाथ महाराज के आपको दर्शन करा रहे हैं, मेन जो हैं यहाँ के चित्रकूट धाम के सबसे बड़े कामतानाथ भगवान जी के दर्शन करवा रही हूँ आपको। और वैसे तो यहाँ का पूरा 5 कोसी परिक्रमा है, पूरे मतलब पहाड़ का, जहाँ पर राम और सीता मतलब 14 साल वनवास हुआ है, यही है चित्रकूट धाम का। और ये देखिए मेन कामतानाथ भगवान की जय, सबके कष्ट हरने वाले प्रभु, हे नारायण हे कामतानाथ गिरी भगवान आपकी जय हो। तो आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, और आप लोग भी हमारे भैया के लिए प्रार्थना करिए कि हमारे भैया जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और देखिए अब यहाँ पर हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं, बिट्टू हैं, और ये आप तो जानते ही हैं कि हम किसके साथ हैं, तो आगे आप खुद ही समझ जाओगे कि हम किसके साथ में हैं। तो यहाँ पर अब दर्शन हो गए, और दर्शन होने के बाद सब जो छोटे छोटे भगवान, हर जगह मंदिर, हर जगह के दर्शन करना, और यहीं पे हम लोग सोच भी सुर कर रहे हैं कि परिक्रमा करें कि ना करें। तो सब लोग कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ले करके, क्योंकि आध्या भी छोटी है और रुचि के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जा रहे हैं और वो सब रुचि लोग आ रही हैं, सब छोटे छोटे बच्चों को लिए ना बहुत ही परेशानी होती है, वो छोटे बच्चों को लिए हुए हैं इसीलिए पीछे हैं। और चलिए गंगा मैया के दर्शन कराते हैं, और देखिए कितनी भीड़ है, चारों तरफ भीड़ भीड़ है, देखिए काफी लोग हैं। और टाइम बताएं आपको, टाइम कितना हो रहा होगा, 8 बज रहे होंगे, शाम के 8 बज रहे हैं, और अभी भी यहाँ कितनी भीड़ है। और हमारी स्पीड ना बहुत ही तेज है, हमारी स्पीड को जल्दी कोई नहीं पाता, इसीलिए हम आगे हैं और सब लोग पीछे हैं। चलिए मिलेंगे तो सभी लोग गंगा जी में, और कहीं कहीं पे कितना अंधेला है, तो आपको हर जगह के दर्शन भी करा रहे हैं, देखें मंदिरों के भी दर्शन आप लोग भी करते चलिए। और अभी तक नहीं आए हैं लोग, चलिए गंगा मैया के दर्शन आपको आगे कराते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत नाव, अब हम लोग गंगा जी के किनारे आ गए हैं, और आप लोग भी दर्शन करिए। और कामतगिरी भगवान मतलब कहाँ, ये भोले बाबा के यहीं पर मंदिर है, यहाँ भी हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो रही है और बिल्कुल सन्नाटा भी, ऊपर साए साए हो रहा है, तो यहाँ मुश्किल है जाना। और हीरू भी बैठे हुए हैं, अब चलिए बैठते हैं नाव में, और नाव से आप लोगों को गंगा मैया के दर्शन कराते हैं। तो सब बहुत ही अच्छा लग रहा है, और खुशी जस्सी भी बहुत खुश है। रुचि को तो भैया पूछिए ना, रुचि तो पहली बार वो भी ऐसा बर्थडे अपना यहाँ पर मना रही है। ओ रुचि, देखिए आज इनका केक कहाँ कट रहा है, नाव में हम लोग बैठे हुए हैं, और साथ में कौन है, हमारे भैया जी, ये देखिए, और साथ में दोनों लोग बैठ करके ही आमने सामने बैठ करके केक काट रहे हैं, ये देखिए दोनों लोग आमने सामने बैठे हुए हैं और केक कटिंग शुरू है। और इतने सारे पार्टी में कितने लोग आए हुए हैं, ये देखिए पार्टी में ये सारे भी आए हुए हैं, और पार्टी का पूरा मजा ले रहे हैं, ये देखिए सब बैठे हुए हैं। प्रांशु बहुत ही बिजी है अभी,
अभी प्रांशु पूरा मजा ले रहे हैं, नाव का मजा ले रहे हैं अभी वो। और मैं भी फर्स्ट टाइम में बैठी हुई हूँ चित्रकूट, तो इतनी बार आई गंगा मैया में, स्नान भी की, दर्शन भी की, और सामने मैंने आपको मंदिर के दर्शन कराया, मजगंदन स्वामी भगवान के दर्शन कराया, मजगंदन स्वामी भोले बाबा के दर्शन कराया। बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि नाव की इतनी बड़ी खुशी है कि बता नहीं सकती हूँ कि मैं नाव में बैठ करके और गंगा मैया की यात्रा कर रही हूँ। तो सब लोग कितने खुश हैं और खुशी तो बहुत ही मुस्कुरा रही है, देखिए खुशी बहुत ही खुश है। और इधर बिट्टू, बिट्टू किसमें लगी हुई है, बिट्टू इधर देखो यार, तुम लोग बिट्टू बहुत लगी हुई है, अपनी खुद सेल्फी निकाल रही है वीडियो को। अब मनु कितना खुश है ये देखिए, मनु जस्सी सब बहुत ही खुश है, मनु जस्सी तुम्हार और अध्या रानी से मिलाते हैं, रुकिए अध्या रानी बहुत खुश है, ये देखिए अध्या कितनी खुश है, अध्या क्या कर रहे हो। और आज तो अध्या बहुत ही खुश है क्योंकि इनके मम्मी का बर्थडे कहाँ हो रहा है आप लोगों को तो बता ही दिया, स्पीकर बंद हो तो मेरा चालू। गंगा मैया के दर्शन करिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चित्रकूट धाम जहाँ राम पानी में नहीं बैठा, पानी में और लक्ष्मण सीता मैया 14 वर्ष का वनवास काटे थे और इसी गंगे मैया में तैर तैर के उन्होंने नहाया भी था, ऐसे ही नाव में टहले थे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या करूं तुमने आज मुझे कार्टून तो बना दिया, चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं, देखिए गंगे मैया का पूरा नजारा लीजिए कितना सुंदर, और कितनी अच्छी नाव है देखिए, कितनी अच्छी नाव और कितना अच्छा, और हीरो प्रांशु भी बहुत ही मजा ले रहे हैं, और ये बहुत ही बड़े माता पिता तो भक्त हैं ही, लेकिन बच्चे उनसे भी बढ़ करके हैं भक्त, तो देखिए खुशी भी बहुत खुश है, और इधर जस्सी भी बहुत खुश है, मनु अच्छा आप सब लोगों को जानते ही कि बहुत ही खुश है हम लोग, मैं तो आने के मूड में नहीं थी पहले, मतलब पूरी रात की जगी और हम लोग देखे कि इतना सुस्त सुस्त बैठे हुए कि बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन बस भल राम दरबार और चित्रकूट धाम की महिमा है, उन्होंने यहाँ पर मुझे बुला लिया और रुचि का बर्थडे आज हम यहाँ पर, और रुचि भी बहुत ही खुश है, और भैया जी तो बोल रहे हैं कि अब हमें नाव को ही लेकर के चलते हैं, मतलब आपके गिफ्ट में हम नाव को दे रहे हैं, तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये देखिए नाव जा रही है, देखिए सामने नजारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो आप भी फुल मजा और फुल भक्ति भाव में देखिए आज अष्टमी के दिन में, और हमने यहाँ सरजू नदी गंगा जी के किनारे भी आप लोगों को दर्शन करा दिया, और कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग कितना धन्य है, यहाँ के नाव खेने वाले कितना धन्य है जो इस जगह रहते हैं, और बहुत ही मतलब भजन कीर्तन सब हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। Thank you.
हरि चेरा की जय नाथे दय मादेर पवन तने संकट हरने मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहते दीन तनु जानके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देउ मोहि हरहु कलेश बिकम। और गंगा मैया के दर्शन करिए, देखिए कितना शीतल जल है। और मुझे नाव में तो बहुत ही डर लगता है, लेकिन माँ की ही महिमा है कि आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और मैं यहाँ पे वीडियो भी देखिए बना रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ और भजन भी गा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गंगा मैया के दर्शन आप भी करिए। ये देखिए आज हमारे शीलू भैया बहुत ही मतलब खुश है रुचि के ऊपर, और रुचि के बर्थडे बहुत ही अच्छा, मतलब हमको बहुत ही अच्छा लगा। और हमारी यहाँ की तैयारी हमारे भैया शीलू भैया ही बनाए कि मौसी चलिए चित्रकूट धाम के दर्शन करते हैं। तो हम लोगों ने परिक्रमा तो नहीं किया है, क्योंकि परिक्रमा करने में काफी टाइम लगता, और तो टाइम तो मैंने आप लोगों से बताया ही कि वही 8:30 का टाइम है, तो मतलब बहुत टाइम हो जाता छोटे छोटे बच्चों को लेके, आधे लोग परेशान हो जाती। और ये रात की भी सब जगे हुए हैं, रुचि तो इनके कारण ना रात में भी कम ही इंजॉय कर पाई है, क्योंकि रात में बच्चों को लेकर के जगना बहुत ही मुश्किल का काम था। तो सब बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हमारे शीलू भैया भी बहुत ही खुश हैं कि हम सब लोग साथ में हैं, और ये काफी मतलब खुश माहौल है। माँ की कृपा है, भक्ति भजन भाव आप लोगों का सबका स्नेह प्यार है, तो बहुत ही अच्छा है। और गंगा मैया की देखिए दर्शन करिए, मैं कितने पास से आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ, तो गंगा मैया के आप दर्शन करिए। देखिए ये गंगा मैया के दर्शन, और रुचि बहुत ही खुश है, आपको रुचि के भी दर्शन करा रहे हैं। रुचि इतना हंस रही है कि पूछो नहीं, बहुत ही खुश है। और वो तो हमने बता ही दिया कि इनको गिफ्ट में आज क्या मिलने वाला है, तो आज इनको गिफ्ट में पूरी नाव ही मिलने वाली है, मतलब पूरा नाव। भगवान इतना खुश है, ये देखिए यहाँ का नजारा देखिए, वाह स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है यहाँ पर देखिए। इसीलिए तो 14 वर्ष श्री राम जी ने यहाँ पर अपने घर दिया, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं कि ये देखिए मंदिर। और मंदिर में आप लोग पता नहीं आए हो चित्रकूट, वैसे तो चित्रकूट धाम चारों धाम है, और यहाँ पर्वत के आप दर्शन कर लीजिए, जहाँ श्री राम और ये देखिए चित्रकूट लक्ष्मण धाम और गौरी माँ मतलब सीता मैया रुके हुए थे, तो यहाँ पर 14 वर्ष भगवान ने काटा। सीता रसोईया सुइया धाम और पर्वत पहरिया और बजरंगबली धाम और बजरंगी धाम, मतलब सब कुछ यहाँ पर है। मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए सब पूरा आप लोगों को यहाँ का वीडियो, तो मेरा बहुत ही ब्लॉग लंबा हो जाएगा जब मैं डालूंगी, तो क्या करूँ, सब आपको यहाँ का पूरा दर्शन करा रही हूँ। अब चलिए रुचि भी उधर लगी हुई है, रुचि की भी थोड़ा हेल्प करना है। अब हम लोग चित्रकूट धाम में होटल में आ गए, जहाँ रुचि अपना केक काटेंगी। तो केक तो नहीं कटेगा क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है, नवमी का दिन है, तो वैसे ही पार्टी अपना मनाएंगी। अब आगे हम सब कुछ अच्छा लगे तो घर के लिए, और टाइम तो बहुत हो रहा है, आप लोगों को टाइम नहीं बता सकते। और देखिए यहाँ भी सब दुकानें खुली हुई हैं, और खुशी भी बहुत खुश है ना हमें बैठ करके, खुशी की आज अपार खुशी है, बता नहीं सकते। जस्सी भी बहुत खुश है, तो आप ये सब अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय माता की।